बिना केवाईसी के सिम न मिल सके, इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है। फ्रॉडुलेंटली सिम लेने के मामले में 3 साल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। आत्मा अजर है, अमर है, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। 20 दिसंबर को लोकसभा में नया टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया, जिसे फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा भेज दिया गया है। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है, जिसे लेकर आईटी मिनिस्टर ने खुद पूरी जानकारी दी। सबसे बड़ा इस बिल में जो रिफॉर्म आया है वो है यूजर प्रोटेक्शन। आज हम सब जानते हैं किस तरह से किसी के नाम पर भी बैंक के नाम पे कॉल करता है, कोई 5,000-10,000 ऐसे निकाल देते हैं किसी के अकाउंट से। उस पे बहुत फोकस करके फ्रॉडुलेंटली कोई सिम न ले सके और सिम बॉक्स जैसी व्यवस्था न उपयोग में ला सके, बिना केवाईसी के सिम न मिल सके, इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है। बहुत कड़े प्रावधान भी किए गए फ्रॉडुलेंटली सिम लेने के मामले में, इम्पर्सनेशन के मामले में 3 साल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। आईटी मिनिस्टर ने बताया कि युद्ध और नेशनल सिक्योरिटी के समय सबसे पहले और सबसे बड़ा अटैक टेलीकॉम नेटवर्क पर ही होता है, जिसके लिए स्टैंडर्ड साइबर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जो टेलीकॉम नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करेगा। अध्यक्ष जी, कि जो स्टैंडर्ड साइबर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क है, उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है। आज युद्ध के समय या नेशनल सिक्योरिटी के केस में सबसे बड़ा जो अटैक होता है वो सबसे पहले टेलीकॉम नेटवर्क्स पे होता है। अभी जितने भी विश्व में कॉन्फ्लिक्ट के जोन्स है, उन सब के अध्ययन से ये पाया गया है, सबसे पहला अटैक टेलीकॉम नेटवर्क्स पे होता है। इसलिए टेलीकॉम नेटवर्क की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, इसीलिए ट्रस्टेड सोर्स और साइबर सिक्योरिटी को लीगल जामा एक पहनाया गया है। लोकसभा में बिल पेश करने के दौरान आईटी मिनिस्टर ने स्पेक्ट्रम क्या है, इसे बड़े अच्छे तरीके से समझाया। इसके लिए उन्होंने भगवत गीता का उदाहरण भी दिया। स्पेक्ट्रम एक ऐसी चीज है जो सदियों से कितनी भी बार कितने भी व्यक्ति कितनी भी संस्थाएं उसका उपयोग करे, स्पेक्ट्रम का एक रत्ती भर भी उसमें कोई कमी नहीं आती, कोई खरोच नहीं आती। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, आत्मा अजर है, अमर है, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, वैसा ही स्पेक्ट्रम का भी स्वरूप है। एक ऐसी चीज है, एक ऐसी रिसोर्स है जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, जिसको कोई टच नहीं कर सकता। यानी जो स्पेक्ट्रम कल तक कोई व्यवहार में लेता था, उसको आज बिल्कुल बिना कोई हिचक के, बिना कोई कमी के, बिना कोई शरण के, उसको नया व्यक्ति उपयोग में ले सकता है। इसके साथ ही मोबाइल यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायत प्रमोशनल कॉल्स को लेकर रहती है। अक्सर आप भी इन समस्याओं से परेशान रहते होंगे। आपको भी वक्त बेवक्त क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेने के लिए फोन आते होंगे। इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार ने इस बिल में प्रावधान किया है। बिल में कहा गया है कि ऐसे प्रमोशनल कॉल और मैसेज भेजने से पहले सहमति लेनी होगी। बिल में बताया गया है कि टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकें। बता दें कि टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या फिर नेटवर्क के टेक ओवर मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। यानी युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकेगी। ये बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा, जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है।